बना लो सेम तरीके से। बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। सिंगल लेयर में डालना है, ठीक है? मैं अब और नहीं डालूंगी। नैपकिन पे निकालिएगा ताकि जो एक्सेस आपका ऑयल हो। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, वेरी हेल्थी वेरी यम। अगर कच्चा मसाला उस पे हुआ लगा हुआ और मैंने चम्मच डाल दिया, चम्मच पे सारा मसाला आ जाएगा, ये याद रख लीजिए। हम जब लाहौरी फ्राइड फिश सिखाई है आपको, मैंने अपने मसालों से भी अंडा भी उसमें डालते हैं, लेकिन देखें इसमें तो कुछ भी नहीं डालना है और इतनी बेहतरीन शक्ल और टेस्ट और खुशबू, ज़बरदस्त और क्रिस्पी, बिल्कुल वैसी ही शक्ल जैसी आप बाज़ार में जाके खाते हैं। रोज़ा तो मेरा रहा वो होता है इन चीज़ों के साथ, वाकई बहुत मुश्किल है भाई। सुबह भी कुकिंग करो अभी भी और फिर घर जाके करो सारा दिन। बिल्कुल हमें ज़्यादा सवाब मिलता है, मुझे आप लोगों के सामने नई नई चीज़ें बनाओ, खुशबू। ये देखें जस्ट सी, चिकन से बना लीजिए आज ही, ले लीजिए मसाला और बनाएं चिकन के साथ फिश। अगर नहीं, मुझे तो खैर फिश बहुत पसंद है, आई लव फिश, लेकिन अगर नहीं खाते तो ठीक है आप चिकन से बनाइए। ठीक है जी, इसको हम अब स्प्लैटर में निकालेंगे। चाहें तो आप इसके ऊपर भी शान का चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं लेमन के साथ। कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप जानी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। आप मेरे दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। आप मेरी सबसे अच्छी टीचर हैं, आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ सिखाया है कि अब पूरी फैमिली को यकीन ही नहीं आता कि ये वही मरियम है जिसको रोटी भी तक नहीं बनानी आती थी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं आप जानिए आपसे बात करते हुए। आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, मैं दरूद पाक पढ़ पढ़ के कॉल मिला रही थी कि मेरी आप जानी से आज बात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान आप जान। आप वो इतनी रोजा इफ्तार करते हुए, रोजा रखते हुए इतनी दिल से दुआएं देते हैं। आप खुश रहें, आप आबाद रहें, आप अपने बच्चों के बच्चों की खुशियां देखें। आमीन, अपने अपने सेहत के साथ। थैंक यू बेटा, ये सारी दुआएं आप सब के लिए मेरी तरफ से। आप लोग भी जितने मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, तमाम लोगों के लिए यही सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। देखा आपने, थोड़ा सा कलर ऐड देने के लिए मैंने ये हरा धनिया डाल,
और आप यकीन करें जो इधर खुशबू आ रही है, और सब में बड़ी बात एक जो खूबी है इसकी, क्रिस्प, बहुत ही मजे की। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे विद मी एंड कीप वॉचिंग शिरीन अनवर शान के साथ, वील बी राइट बैक। लाहौरी फिश अज्जा, मछली बोनलेस क्यूब्स 1 किलो, तेल तलने के लिए 2 से 3 कप, शान लाहौरी मछली मसाला 1 पैकेट। तरकीब, शान लाहौरी मछली मसाले में तकरीबन आधा कप पानी शामिल करके दरमियाना गाढ़ा अमेजा बनाकर मछली पर लगा दें। अब मछली को गर्म तेल में सुनहरा और खस्ता होने तक तलें। फिर मजेदार लाहौरी मछली को शान हरी चटनी और टमाटर चटनी के साथ पेश करें। लाहौरी फिश अज्जा, मछली बोनलेस क्यूब्स 1 किलो, तेल तलने के लिए 2 से 3 कप, शान लाहौरी मछली मसाला 1 पैकेट। जनाब वेलकम बैक, देख रहे हैं आप शिरीन अनवर शान के साथ, और बन गए, रेडी हो चुकी है हमारी आज की डिश, ज़बरदस्त सी लाहौरी फ्राइड फिश जो कि हमने बनाई है शान के लाहौरी फिश मसाला के साथ। ठीक है, आपने इसको ट्राई करना है। जल्दी से रिकैप दे देती हूँ, मछली ली थी, मछली वाले को कहा उसको बोनलेस कर दो, कांटा और चमड़ा निकाल दो, उसको अच्छी तरह से नींबू नमक लगा के धो के ड्राई करके पेस्ट बना लिया आपने इसके मसाले का पानी के साथ, और फिर फिश को उसमें डाल के मैरिनेट किया, चंद मिनट चंद घंटे छोड़ दो और एक एक पीस उठा और डीप फ्राई कर। ठीक है, क्या ख्याल है, ले लें आपसे इजाज़त, अब घर जाएंगे, फिर घर जाके भी काम करेंगे। ठीक है जी, अपना बेहद ख्याल रखिए, दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, मुझे और शिरीन अनवर शान के साथ की टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।